भांग खा के करी थी। एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ माई चैनल। एंड अभी एक घंटे पहले हम लोग मैं सो के उठी हूँ। विक्की थोड़े दो घंटे पहले सो के उठ गया था, तो अभी कुकिंग करने के लिए जा रहे हैं। नॉर्मल डे है आज, बिकॉज नॉर्मल सा दिन है आज। क्या डे है? वर्किंग डे है आज, वर्किंग डे है। और आज वेडनेसडे है, तो सैटरडे संडे नहीं है मतलब। तो आज हम खाने में, मतलब मैं आज खाने में बनाने वाली हूँ कुंदरू। कुंदरू बनने वाला है आज हमारे घर में। एक्चुअली कुंदरू और परवल में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कुंदरू और परवल क्या है। एक तो हम लोग देखने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड समटाइम्स बनाने में भी कंफ्यूज होती हूँ। मतलब जब कट करते हैं तब पता चलता है कि हाँ कुंदरू है। जब तक वेजिटेबल चॉपिंग हो रही है, आई एम गोइंग टू अप्लाई हेयर ऑयल ऑन माई हेयर, ताकि जब तक मैं शावर लेने के लिए जाऊँ तो ऑलरेडी 1 से 2 घंटा हो जाए। बिकॉज मैं कभी भी ओवरनाइट अपने बालों में ऑयल ही लगा के रखती हूँ। 2 आवर्स मैक्सिमम मतलब इनफ होता है आपके बालों को ऑयल एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैं यूजुअली 1 घंटा या 2 घंटे से ज़्यादा कभी भी ऑयल नहीं लगाती हूँ अपने बालों में। एंड जब तक ये जब ऑयल लगा लूँगी उसके बाद फिर मैं अपने सारे काम करना स्टार्ट करूँगी। अभी आई एम यूजिंग दिस मामाअर्थ का अनियन हेयर ऑयल विथ अनियन ऑयल एंड रेडेंसिल एंड फॉल। दिस इज स्पेशली फॉर हेयर फॉल कंट्रोल। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ऑयल इज दिस एप्लीकेटर, जो कि बहुत ही हैंडी है। आपको ऑयल लगाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा इस हेल्प से। जो मामा अर्थ का हेयर ऑयल है, ये इज रिच इन सल्फर, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स है, और ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर अनियन सीड ऑयल है, रेडेंसिल है, आलमंड ऑयल है, भृंगराज ऑयल है, आंवला ऑयल है, कैस्टर ऑयल है। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं ये सब आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, साथ ही साथ आपका जो हेयर फॉल है उसको बहुत हद तक कम करेंगे। एंड ये सेफ फॉर कलर्ड एंड केमिकली ट्रीटेड हेयर है। जैसे मेरी ये केमिकली हेयर है तो आप बिल्कुल इसको लगा सकते हैं। हेयर ऑयल है, ये टॉक्सिन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू ही बना है। ऑयल मैंने लगा लिया है एंड प्रॉपर चम्पूड़ी बन चुकी हूँ मैं। तो अब मैं फटाक से जाती हूँ, कुकिंग करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मेरी कुकिंग हो चुकी है और गैस क्लीनिंग हो चुकी है, बर्तनों का काम विक्की का होता है। से शावर लेने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, तो भी ऑयलिंग करने के बाद मैंने अपने जो बाल हैं वो वॉश कर लिए हैं, एंड आप देख सकते हो अभी मैंने कोम वगैरह कुछ नहीं किया है, एयर ड्राई किया है, इवन मैंने वो भी नहीं चलाया है, मतलब ब्लो ड्राई भी नहीं किया अपने बालों को। बट हल्के से अभी थोड़े थोड़े से गीले हैं, तो ये आप देख सकते हो मेरे बाल काफ़ी शाइनी लग रहे हैं। इसका मैं पहले भी रिव्यू कर चुकी हूँ, तो एक बॉटल मेरी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और ये दूसरी बॉटल है। एंड इसी का शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों मैंने अपने बालों में लगाया है। तो शैम्पू में अनियन सीड ऑयल एंड प्लांट कैरेटिन मिला हुआ है, साथ ही साथ विटामिन ई एंड डी पैंथेनॉल मिला है। तो बेसिकली ये करता क्या है आपके बालों में, तो अनियन सीड ऑयल जो है वो आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है, साथ ही साथ इचीनेस जो होती है आपके हेयर से वो निकलती है इससे। ये आपके स्कैल्प एंड हेयर फॉलिकल्स में डीपली पेनिट्रेट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी होती है। प्लांट कैरेटिन मिला हुआ है तो नेचुरली आपके बालों को स्मूदन आउट करता है एंड शाइन प्रोवाइड करता है। विटामिन ई है जो कि आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है। तो ये वाला शैम्पू मैंने यूज किया है। नॉर्मली जैसे आप शैम्पू यूज करते हैं वैसे आपको शैम्पू यूज करना होता है। एंड उसके बाद जो मैंने कंडीशनर यूज किया है, उसके बाद बारी आती है कंडीशनर की। तो ये है कंडीशनर जो मैंने यूज किया है। इसके अंदर अनियन, कोकोनट एंड आलमंड ऑयल मिला हुआ है। कोकोनट के अंदर अगेन डीप नरिशिंग प्रॉपर्टीज होती है। इट पेनिट्रेट्स डीप इनटू द हेयर फॉलिकल, प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ। इसके अंदर आलमंड ऑयल मिला हुआ है जो कि आपके बालों को नरिशमेंट देता है, स्ट्रेंथ देता है, एंड साथ ही साथ आपके बालों को डैमेज होने से एंड लॉस होने से बचाता है। तो शैम्पू के बाद आपको थोड़ा सा अमाउंट लेकर के, जैसे आप कंडीशनर लगाते हो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर कंडीशनर लगाना होता है, कभी भी रूट्स में आपको कंडीशनर नहीं लगाना होता है। आपको परचेस करना है तो लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई रहेगी, एंड साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं स्क्रीन पे दुआ हुआ, जो कि है स्टाइल 2020। आपको 20% ऑफ मिलेगा mamaearth.in की वेबसाइट पर। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे ऑल आर पेटा सर्टिफाइड एज क्रुएल्टी फ्री। मामाअर्थ जो है वो बिल्कुल ही नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाता है एंड केमिकल फ्री इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। सो मामाअर्थ इज एन इंडियन ब्रांड, इनके सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बनते हैं, सो दैट्स व्हाई आई लव टू सपोर्ट दिस ब्रांड। मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़न, नायका एंड mamaearth.in पर अवेलेबल है। तो अगर आपको परचेस करना है तो लिंक्स दी हुई है। एंड अभी आज मुझे क्या करना है, 2 वीडियोस की शूटिंग करना हुआ है। तो मेरे पास वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आई थी, एडिटिंग के साथ साथ ही रिक्वेस्ट आई थी कि आपके जो वीडियोस होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो कैमरा मैं भी यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक G7X ही कैमरा यूज़ करते हैं, तो ब्लॉगिंग के लिए स्पेसिफिकली, तो मेरे पास ये आता है कि आपके वीडियोज़ में काफ़ी ब्राइटनिंग इफेक्ट दिखता है और बहुत ब्राइट आपके एंड क्रिस्टल क्लियर दिखते हैं।
तो मैं अभी वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि क्यों मेरे वीडियोस क्रिस्टल क्लियर और ब्राइट दिखते हैं. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. अभी सबसे पहले तो क्या करने वाली हूँ, मैं वीडियोस के लिए तैयार होने वाली हूँ. तो तैयार होने के लिए थोड़ा सा ब्लो ड्राई करूंगी. एज यू ऑल नो कि अभी थोड़ा थोड़ा मेरे जो बाल है ना, बारिश के टाइम पे ऐसे गंदे गंदे से हो जाते हैं. जितने भी जो बेबी हेयर है ये थोड़े थोड़े से ऐसे टर्न टर्न टाइप होने लगते हैं. अभी आपको ये देखिए, मैं अपने बाल दिखाती हूँ. ये आपको दिख रहा है, जैसे सपोज मैंने अगर बीच से ये निकाला है, पार्टीशन किया है, तो मेरे बाल एकदम फ्लैट दिख रहे हैं, राइट. तो क्या होता है ना, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, मेरे जो हेयर है तो पूरा वेट बालों का यहाँ रहता है, तो यहाँ रहने की वजह से ये बाल जनरली फ्लैट हो जाते हैं. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरी जो कट होती है वो यूजुअली अलग तरीके की, मतलब मैं क्या कराती हूँ, यहाँ से एक लेयर शॉर्ट कराती हूँ. पूरा शॉर्ट नहीं कराती हूँ, वो पूरे ट्यूनिंग में नहीं चलता है. मतलब एक अलग से क्राउन सेक्शन को मैं कट करवाती हूँ, ताकि जो सपोज जो आधा हल्का सा जो लेयर है, ये दिख रहा है आपको, ये मैं कट करवाती हूँ, आधा ही कट करवाती हूँ. आपको पूरे बाल कटते नहीं दिखेंगे, छोटे छोटे से कुछ पार्ट्स हैं जो कट दिखेंगे, तो वो मैं कट करवाती हूँ. उसकी वजह से क्या होता है, वो वाले हेयर शॉर्ट हो जाते हैं, ये क्राउन सेक्शन वाला जो एरिया है वो शॉर्ट हो जाता है, तो वहाँ पर वेट नहीं आता है, तो वो काफ़ी फ्लफी फ्लफी और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट एकदम चंपू टाइप से नहीं हो जाते. अभी देखो अभी ये कितने फ्लैट हो रखे हैं, क्योंकि मैंने ब्लो ड्राई किया है, ब्लो ड्राई करने के बावजूद फ्लैट हो गए. तो लॉन्ग हेयर यूजुअली फ्लैट दिखते हैं, और क्योंकि मेरा जो फोरहेड है वो आप देखो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा फोरहेड की हूँ मैं, तो मेरे फोरहेड छोटा है, तो मैं ज़्यादा अपने बाल ऐसे सामने नहीं रख सकती, अदरवाइज मेरा जो फोरहेड है वो और ज़्यादा शॉर्ट लगता है. के नेल पेंट लगा रही हूँ, बिकॉज मेरे जो नेल्स हैं वो पूरी नेल पॉलिश जो है वो पूरी तरह से निकल चुकी है, चैपी चैपी सी दिख रही है, गंदी सी. तो मैं वही लगा रही हूँ, उसी के ऊपर लगा रही हूँ, कोई निकाल विकाल ले रही हूँ, इतना वो नहीं कर रही हूँ. तो एक्चुअली यू नो वर्ड, आज क्या हुआ ना, इंस्टाग्राम पे एक मेरी फ्रेंड है, मतलब हम लोग की फ्रेंड है, तो उसका वो देखा, पोस्ट देखा, एंड शी वॉज लाइक कि थैंक यू हबी, सरप्राइज गिफ्ट गिवन बाय हबी. उसको iPhone 11 Pro Max ऐसा कुछ तो भी फ़ोन दिया. और एक और मेरी फ्रेंड है जो कि उसने भी ऐसी कुछ सरप्राइज डाला, कुछ बड़ी चीज़ का ही डाला था. तो आई वॉज लाइक, मैं सोच रही थी, मतलब ये आप लोगों को होता है कि नहीं होता, मेरे घर पर सरप्राइज का कोई कंसेप्ट नहीं है. अगर मैं बोलती हूँ विक्की से तो मुझे वो मिल जाता है, बट सरप्राइज तो आई थिंक मुझे मिला ही नहीं है. जब से शादी हुई उसके बाद से मुझे सरप्राइज मिलना ही बंद हो चुका है. उसके पहले मिलता था, जो मिलता था सरप्राइज, एक आध साल जब हमारी इंगेजमेंट वाला, जब हमारी शादी पक्की हो गई थी, तब विक्की भले ही सरप्राइज दे दे, बट अब तो वो बिल्कुल सरप्राइज का एस भी मुझे नहीं मिलता है. मतलब लिटरली अगर मुझे कोई चीज़ लेनी होती है तो इनफैक्ट भले ही मुझे खुद से लेनी होती है तो भी मैं एक आध दो महीने पहले से, कोई जैसे बड़ी चीज़ अगर मुझे लेनी है सपोज, तो मैं दो महीने पहले से विक्की के कान में डालना स्टार्ट कर देती हूँ कि मुझे लेना है. फिर तब जाके दो महीने बाद, ऐसा नहीं कि वो दिलवा देगा, नहीं बिल्कुल नहीं, वो भी मैं ही जा करके लेकर के आती हूँ. तो मैं वही सोच रही थी, तो मैं ना, मेरा बहुत मन कर रहा था, मैंने बहुत टाइम से मतलब मैंने बताया हुआ है ना कि मैं मेकअप शॉपिंग वगैरह सब कुछ बंद कर चुकी हूँ, और मैं सिर्फ वही चीज़ें खरीदती हूँ जो मुझे ज़रूरत होती है. बट आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं कुछ अपनी पसंद का थोड़ा अच्छा सा, थोड़े अच्छे ब्रांड का कुछ खरीदूँ. मतलब नहीं, कभी कभी होता है ना, बहुत ज़्यादा मन करता है, अभी आप ना तो मॉल जा पा रहे हो, ना आप कुछ शॉपिंग कर पा रहे हो. मैं पिछले 3 महीने से अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी कि मैं कुछ भी पर्सनल शॉपिंग ना करूं. तो मैंने टॉप्स वगैरह की, या अपने पर्सनल चीज़ों की, फुटवेयर हो गया या बैग हो गया, ऐसे तरह की कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है. तो मेरा आज बहुत मन कर रहा था कि मैं कुछ खरीदूँ नायका से, कुछ अच्छा सा. तो है ना, मैं भी ये सोच रही हूँ कि विक्की से जा करके बोलने वाली हूँ मैं कि मुझे दिलवाओ, ठीक है. तो लेट्स सी विक्की का रिएक्शन, देखते हैं कि वो क्या रहता है. आप, मुझे होता है ना, आपके घर पे ऐसा होता है कि आपका हस्बैंड आपको सरप्राइज नहीं देता है, मेरे घर में तो 200% होता है. तो लेट्स सी, विक्की अभी ऑफिस का काम कर रहा है, तो मुझे कुछ दिलवाओ नायका से. कुछ भी, तो कौन सा आपको पता है, कौन कौन से मेकअप होते हैं, कभी तो दिलवाओ यार. लोगों के हस्बैंड सरप्राइज देते हैं उनको, ये देखो सरप्राइज, थैंक यू हबी लिखने का तो मौका दो मुझे. दिया मौका, लिख दो. नहीं, अच्छा, ऐसे थोड़ी ना, फेक थोड़ा लिखती हूँ. विक्की ने एक्चुअली ना मेरे को कभी भी ये मौका लिखने को नहीं दिया कि थैंक यू हबी.
दिलवाओ यार कुछ तो दिलवाओ। अभी वो उसके लिए थैंकफुल नहीं हो तो फिर उसके बाद नहीं, उसके लिए थैंकफुल हूँ, बट समटाइम्स आई नीड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब समटाइम्स। ये देखो इतना बड़ा मटेरियल बैठा हुआ है। नहीं, कुछ दिलवाना पड़ेगा यार। कितना देखो कितना, आप लोग बोलते हो विक्की भैया इज वेरी स्वीट, कोई स्वीट वीट नहीं है ये। हाँ खुद की, मतलब मेरे को मेरी चीज़ खरीदने के लिए भी ना विक्की की जान खानी पड़ती है, तब जा करके मैं खुद जा करके कोई चीज़ अपनी लेके आ पाती हूँ। लगता है कि मैं तेज़ हूँ, बट ये बहुत तेज़ है, शक्ल में मत जाना इसकी और ना मेरी, मतलब मैं तेज़ दिखती हूँ बट मैं सीधी हूँ, ये सीधा दिखता है बट ये बहुत तेज़ है। चलो वैसे मैं खुद भी खरीद सकती हूँ, बट समटाइम्स मुझे विक्की की जान खाने में बहुत मज़ा आता है। अब मैं भी अपने स्टेटस में डालूंगी थैंक यू हबी। तो मैं नायका से, मुझे एक्चुअली 2-3 चीज़ें लेना है, बहुत काम की तो नहीं है बट हाँ मेरी ख़त्म हो गया है, मेरा मस्कारा ख़त्म हो गया है, मस्कारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। उसके बाद मेरा जो फिक्सिंग स्प्रे है वो मेरा ख़त्म हो गया है। और इस इंसान की शक्ल पे मत जाना, ये बहुत चालू है, ये है बहुत चालू, जो दिखता है ना वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं तो है। तो आंखें बंद करके घूमे रोड पे, नहीं जो दिखता है वो तो है ही नहीं, सामने गाड़ी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जाकर चलो। विक्की का दिमाग घूम गया, अभी उसको पैसे देना पड़ेगा ना मुझे, तो विक्की बहुत कंजूस है। मेरा रूम जिसमें मैं शूट करने वाली हूँ, तो अभी यहाँ पर अभी सिर्फ ऊपर वाली जो फॉल सीलिंग की लाइट है वो जली हुई है, एंड ये वाला बल्ब जला हुआ है। अब मैं आपको अपना फेस दिखाती हूँ, ये है सिर्फ सामने वाली लाइट का इफेक्ट। अब मैंने ये वाला जो सेंट्रल लाइट है वो ऑन करी है, और वो जो वहाँ पर आपको लाइट दिख रही है वो ऑन करी है। ये वाला जो इफेक्ट है ये इसका इफेक्ट है, मतलब ये लाइट की लाइट। तो अभी भी एक बहुत अच्छी खासी अमाउंट ऑफ लाइट मुझे आ रही है, येलो लाइट, जिसमें आपका फेस बहुत अच्छा दिखता है ऑटोमेटिकली। अब व्हाइट लाइट को ऐड कर दिया है, तो अब व्हाइट येलो सब मिक्स होकर के आ रही है, एंड जिससे इफेक्ट मेरे ऊपर बहुत अच्छा आ रहा है। तो मुझे कोई भी स्टूडियो लाइट्स हो गया, आपको ये फैन की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होगी आई एम श्योर, मैं इसको उधर कर देती हूँ। तो कोई भी मुझे स्टूडियो लाइट्स हो गई या रिंग लाइट हो गई, इस तरह के लाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने अपने रूम की सेटिंग्स इस तरह से करके रखी है कि चारों तरफ से मुझे लाइट मिलती है, इस वजह से मेरे घर में लाइटिंग्स बहुत अच्छी आती है। बेडरूम का भी सेटअप बताऊंगी, और अभी वो बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हो अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो या आपका खुद का भी घर है, तो ऑब्वियसली भी आप फॉल सीलिंग तो बना नहीं सकते हो, राइट। फॉल सीलिंग का तो इफेक्ट आप मान ही लो बिल्कुल जीरो है। बस आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में व्हाइट लाइट्स है तो किस तरह से क्रॉस इफेक्ट्स में आप अपने घर की जो ब्राइटनेस है वो चेंज कर सकते हो, मतलब लाइटिंग्स का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वीडियो में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पर अपनी कुछ पिक्चर्स डालूंगी पुरानी, जो मैं पहले अपने मोबाइल से 6S से शूटिंग करती थी और उसी से पिक्चर्स भी क्लिक करती थी, और फ्रंट कैमरा से, ऐसा भी नहीं कि मैं बैक कैमरा से करती थी। तब के टाइम पे फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा नहीं होता था, जैसे अब तो काफ़ी अपग्रेड हो गए फ्रंट कैमराज, बट तब इतने अच्छे नहीं होते थे, बट स्टिल मेरा जो वीडियो है वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती थी, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लरी या गंदा सा आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा आता था। जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने वो जो DIY लाइट है वो बना करके रखी थी, तो लाइटिंग से बहुत फ़र्क पड़ता है कैमरे पे। आप कैमरा कोई सा भी यूज़ करो बट आप अच्छी लाइटिंग्स अगर यूज़ करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो कैमरे की क्वालिटी है, जो वीडियो की क्वालिटी आएगी वो काफ़ी क्रिस्प शार्प एंड अच्छी आएगी। तो अब मैं फटाक से वीडियो शूट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी जस्ट मेरे वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, मतलब वीडियो बना बना करके भी थक जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे वीडियो बनाना है, दिमाग खपाना पड़ता है, मतलब जो जो ब्रांड वीडियोज होते हैं स्पेशली उनमें थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगती है। मज़ा नहीं आ रहा आपको? ये देखो ये मजाक ही किया है मेरे साथ। विक्की बता 2-3 वीडियो से अपने बाल बता रहा है, बट वो पार्ट मैं कट कर देती हूँ। एडिट करते टाइम नहीं, अभी वाले डाल दूंगी। इधर तो आओ, अब थोड़े बड़े गए, अब दिखा सकती हूँ। विक्की के एक बार विक्की की कॉल में फ्रेंड ने इंस्टाग्राम में मैसेज पूछा होगा कि कुछ तो ऑप्शन है ना, तो उसने लिखा था व्हाट इज दिस हेयर कट। तो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ कि मैंने गलत क्वेश्चन पूछा, हु डिड दिस हेयर कट पूछना चाहिए था, तो मैं बता देता ये नहीं उसने मुझे व्हाट इज दिस काइंड, व्हाट इज दिस हेयर कट। तो ये देखो ऐसे मिलिट्री कट है, ये है और ये है, और यहाँ से आगे से विक्की ने कट करवाया। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि विक्की ने मुझे बोला कि ऐसे कट कर दो, ठीक है, और पानी डला हुआ था बहुत सारा, ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने स्प्रे करके विक्की की हेयर कटिंग करी थी। भांग खा के करी थी इसको, यहाँ और यहाँ से फर्क नहीं दिखा, यहाँ से कैंची चलाई इधर, ये देखो ये इतने छोटे छोटे बाल काटे आगे के, पीछे के बड़े, यहाँ पर कैंची चलाई है।
बाकी सब अच्छे से काटा, ये सब भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, यहाँ से खींच चलाई लेकिन आगे। अरे मेरे को तो बोलने दो यार, लेट मी कम्प्लीट नाउ। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब क्योंकि इसमें वाटर था, पानी ना गीले होते तो बाल यहाँ तक आते, ठीक है, मैंने कट करा इधर और सूखने के बाद पहुंच गए इधर। आपको हंसी नहीं आती क्या, ये रोबोट है घर का, मेरे ऊपर बीती है, मैं हंसू। और ना यहाँ उस ड्राई होने के बाद यहाँ ऊपर पहुंच गए, तो शुरू दिन तो ओ गॉड, मैं विक्की की शक्ल देख रही हूँ और मुझे खुद को इतनी हंसी आ रही थी। मैंने बोला अरे अभी तो विक्की को बिल्कुल मैं वीडियोस में भी नहीं ला सकती, इसलिए मैं पिछले 7-8 दिन से जो आप वीडियो देख रहे हो पुराने हैं, 7-8 दिन से विक्की को वीडियो में ही ला रही हूँ। विक्की एकदम चमन बाहर लगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको कल एक और ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। टिल देन बाय।